गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फायरप्लेस। स्टूडेंट्स, फायरप्लेस 3D कलरिंग एक्टिविटी। 3D मींस 3 डायमेंशन। स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल मींस जब भी आपको 3D इफेक्ट दिखता है तो वहां पे आपको लाइट एंड डार्क शेड हमें क्या दिखेगा, शेड। तो हमारा होना चाहिए शेडिंग लाइट टू डार्क। जब तक लाइट टू डार्क शेडिंग नहीं होगा तब तक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर हमें 3D नहीं दिखेगा। उसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आपको सिर्फ कलरिंग करना है। तो यहाँ पर हम कलरिंग करेंगे ऑरेंज एंड येलो, टू कलर को ओवरलैप करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में कलर करूंगा ऑरेंज। ये पार्ट रहेगा डार्क ऑरेंज और उसके ऊपर हमें ओवरलैप करके जाना है येलो कलर। तो यहां पर हम यूज करेंगे येलो, उसके ऊपर हम ओवरलैप करते जाएंगे तो येलो कलर ओवरलैप होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 3D से लाइट टू डार्क, ये पार्ट रहेगा ऑरेंज। सिमिलर वन पार्ट वन डायरेक्शन में ये पार्ट रहेगा ऑरेंज, यहाँ पे रहेगा ऑरेंज। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो फ्लेम है तो फ्लेम के डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक करना है, फ्लेम के डायरेक्शन में हमें कलरिंग वर्क करना है। तो ये है ऑरेंज, ये पार्ट रहेगा ऑरेंज, ये पार्ट रहेगा ऑरेंज। सिमिलर ऑपोजिट पार्ट येलो, हमें ऑरेंज और येलो कलर को ओवरलैप करना है। सबसे पहले हम डार्क ऑरेंज ऐड करेंगे, उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए सिमिलर डायरेक्शन में हमें येलो कलर यूज करना है। तो हम कलर यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्रेयॉन्स कलर। बस क्रेयॉन्स कलर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है पेज नंबर 7, ये आपको शेडिंग लाइट टू डार्क शेड ऑरेंज, उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए येलो और लाइट येलो आपको यहाँ पर कलर यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स।